student of 5th class. Now we are going to the discuss about the question number 3 of the page number 46. In question number 3 there have some pictures of leaves on the grid line. In grid line we have to count the half of box and full of covering box and then give the answer of the following question. Okay, students, there have some pictures in some fold of this picture, so you go don't go on the picture and according to the answer of your workbook, don't care about the answer of the workbook. You have to apply the logic and then count the whole box and then give the answer by yourself. Okay, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो. एक बॉक्स का आपको पहले ही पता है, वन बॉक्स का क्या एरिया है, 1 square centimeter. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर हैव सम पिक्चर्स. तो इसका कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, इस जो लीव्स हैं देखो 1 2 कितना हाफ्स है, लेकिन इधर सारे के सारे हाफ्स है, कोई फुल नहीं है, फुल ग्रिड बॉक्स नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ मतलब कितना फुल होगा, 5 फुल होगा, ऑब्वियसली इसका हाफ ही होता है. तो 5 फुल मतलब 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका एरिया, है ना. ऐसे ही आपको काउंट करना है, देखो इधर कितना बॉक्स है. देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे इधर हाफ बॉक्स है, है ना, एक भी फुल बॉक्स नहीं है. तो सारे के सारे हाफ बॉक्स कितना है, 1 box 2 box 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंड 11 आफ्टर अगेन काउंट 1 2 3. ओके, देखो ये 4 5 6 आफ्टर 7. ओके, 7 आफ्टर 8 9 10 11. ये देखो इधर छोटा सा एक एरिया है, 11 एंड 12. तो 12 होगा, 12 की हाफ क्या होता है, 6 square centimeter. ऐसे इसका 1 माना गया क्योंकि 1 स्क्वायर में कवरिंग है, इधर थोड़ा सा स्पेस है. एक्चुअली इसको हाफ लिखना चाहिए, हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर, बट हाफ का कॉन्सेप्ट यू हैव नॉट नोन अबाउट द हाफ स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई इसको 1 ही माना गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, 1. आफ्टर दैट जो आपको इधर से काउंट करके मिलेगा, ये आप इधर क्वेश्चन का आंसर देना, ओनली फॉर इसी आंसर. 5 जो क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना. ओके, जैसे देखो इधर क्या है, विच इज द बिगेस्ट लीफ, व्हाट इज द एरिया. बिगेस्ट लीफ क्या है, ये इसका एरिया क्या है. तो एरिया काउंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, टोटल हाफ फुल बॉक्स और हाफ बॉक्स काउंट करना चाहिए. टोटल फुल बॉक्स कितना है, 1 2 3 4. ओके, 4 आ गया, 5 6 एंड 7. देन हाफ बॉक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देखो इस एक ही घर में दो इधर जो लाइन में इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब ये दो हाफ लेना पड़ेगा. ये आ गया 11 12. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, आफ्टर 12 ये जो छोटा देख रहे हैं 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड इधर जो छोटा सा देख रहे हैं 26. ओके, तो 26 अगर होगा तो इसका हाफ क्या होता है, 13.
तो 13 प्लस 7 क्या होता है 20, सो स्टूडेंट्स 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट लिप, व्हाट इज द एरिया, ओके, विच इज द स्मॉलेस्ट लिप। देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है जैसे स्मॉलेस्ट लिप है सी, इसका स्क्वायर कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, तो इधर लिख देना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ ए, लीफ ए का एरिया क्या है। देखो लीफ ए में आ जाओ, इस लीफ ए में एरिया क्या है पहले ही बताया, देखो कितना, इधर कोई फुल बॉक्स नहीं है तो हाफ बॉक्स काउंट करना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हाफ बॉक्स कितना है स्टूडेंट्स, 10 है, 10 का हाफ बॉक्स 10 है, तो फुल बॉक्स कितना आएगा, इसका हाफ 5 आएगा, तो स्टूडेंट्स इधर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीव ए, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, द एरिया ऑफ द लीव ए इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीव एफ, एफ लीव का एरिया क्या है ये हमको अभी देखना है। देखो ये आ गया एफ लीव, ओके, इस लीव में देखना है कितना टोटल बॉक्स है, हाफ बॉक्स, इधर कोई फुल बॉक्स, एक भी फुल बॉक्स नहीं है तो हाफ बॉक्स काउंट करना चाहिए टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब 7 स्क्वायर, 14 का हाफ क्या होता है 7, तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपको इधर क्या लिखना है, द एरिया ऑफ द लिप एफ इज 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इधर जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इधर जो ग्रिड लाइन में पिक्चर दिया हुआ है, इस ग्रिड लाइन का पिक्चर में सम कुछ फॉल्ट है, सो दैट्स वाई हम इस ये लास्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। आफ्टर दैट हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन क्लियर बाई मी, एंड यू डोंट मैच दिस आंसर विद द आंसर शीट, ओके, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लम गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर, ओके, दिस इज वन ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर में आपका ये जो हैंड दिख रहा है, इस प्लम का टोटल एरिया क्या है ये टोटल बताना है आपको। तो इसमें देखो आपको हेल्प किया हुआ है इसी पिक्चर में, जैसे टिक जिस पिक्चर में दिया हुआ है, देखो जिस बॉक्स में टिक दिया हुआ है, इसका मतलब है ये है फुल ग्रिड लाइन, ओके, फुल ग्रिड लाइन, तो काउंट करना है कितना फुल ग्रिड लाइन, कितना फुल बॉक्स आपको मिला, 1 2 3 4 5 6, टोटल फुल बॉक्स आ गया 6। आफ्टर दैट हाउ मेनी हाफ बॉक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो टोटल कितना आ गया 30 हाफ, और फुल बॉक्स कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 30 के लिए 15 फुल बॉक्स होगा और 6 फुल बॉक्स ऑलरेडी है, तो टोटल क्या होगा 31, तो स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा 31 स्क्वायर सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड्स। आफ्टर दैट
we are going to the next question. In question number 5, in question number 5, find and write the area of the objects given below. Okay, find and write the area. ये जो फर्स्ट दिया हुआ है नोट, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है द एरिया ऑफ द नोट ऑफ 10 रुपीज़ नोट. ओके, एरिया क्या है, देखो कैसे काउंट करोगे, ये कितना बॉक्स कवर किया हुआ है, ये टोटल काउंट करना है. ओके, सो हाउ टू काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. एंड देखो ये हाफ घर है, तो पहले इधर तक ही काउंट करो, पहले कितना है 11 और इधर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 6 है, इधर 11 है, तो इधर तक कितना टोटल बॉक्स कवर किया, 66 बॉक्स काउंट टोटल कवर किया, और हाफ बॉक्स कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाफ बॉक्स, मतलब 3 फुल बॉक्स, तो 66 + 3 क्या होता है 69 हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड्स, ऐसे ही नंबर 2. इन नंबर 2 हाउ टू काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक हाफ बॉक्स इधर है, तो 14 तक कितना है टोटल 14 और इधर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर 6 है. ओके, तो 14 का टेबल पता है आपको, अगर 14 का टेबल पता नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 41 + 14, 14 + 28, 14 + 42, 14 + 42, 56, 14 + 70, 14 + 6 = 84. सो स्टूडेंट्स देखो 84 फुल बॉक्स आ गया, सॉरी 84 फुल बॉक्स आ गया, प्लस हाफ बॉक्स कितना है 6 है, 6 के लिए कितना बॉक्स, कितना फुल बॉक्स होता है 3, तो टोटल क्या हो गया 87 आ गया, 87 हो जाएगा, तो 87 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, कवरिंग किया जितना एरिया. इधर देखो ये जो सर्कल है टोटल कितना बॉक्स कवर किया. ओके, तो देखो फुल बॉक्स कितना है 1, 2, 3, 4 और इधर 1, 2, 3, 4, 4 + 16, देखो पहले क्या आ जाएगा 16 फुल बॉक्स, प्लस हाफ बॉक्स कितना है 1, 2, 3, 4, देखो इधर है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, टोटल कितना हो गया 20, 20 के लिए कितना होता है फुल बॉक्स, 20 हाफ बॉक्स, तो फुल बॉक्स होगा 10, तो 16 + 10 क्या होता है 26 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर बुक से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बुक में आंसर है 28 बट इधर आंसर क्या है 26 आ रहा है, तो यही सही है आपके लॉजिक के अनुसार, लेकिन आपको अगर बुक से मैच करना है तो ये मैच नहीं कर पाओगे आप. ओके, सो दैट्स वाई आपका जो लॉजिक में क्वेश्चन का आंसर आया वही लिखना आप, ठीक है ना. आफ्टर दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1, 2 एरिया काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 इधर 4 है और इधर 3 है, 3, 4 + 12, सो राइट हियर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाय स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. इन नेक्स्ट पेज के नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंड राइट द एरिया ऑफ द शेडेड बर्ड ऑफ द शेप गिवन बिलो. ओके, तो देखो जैसे आप पहले ग्रिड लाइन से कैसे फाइंड किए थे एरिया, ऐसे भी आपको इधर भी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे देख लो. तो 1 नंबर कितना एरिया है देख लो, इसी के लिए आपको थोड़ा इधर ग्रिड लाइन बनाना पड़ेगा अंदर की साइड में, है ना. देखो आप ग्रिड लाइन बना लो ऐसे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कितना एरिया हो सकता है इधर, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन आप सीधा सीधा करना. ओके, देखो कितना बॉक्स टोटल कवर किया आपको
आप काउंट भी कर सकते हो इधर से, देखो 1 2 3 4 5 6, ओके 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो स्टूडेंट्स इधर इजीली यू कैन राइट हियर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके आफ्टर सेकेंड को, सेकेंड जो शेप है इसका कितना सेंटीमीटर होगा, पहले ग्रिड लाइन ड्रॉ कर लो। देखो ग्रिड लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया इसके ऊपर, इधर भी लाइन ड्रॉ कर लो। ओके ये हो गया लाइन ड्रॉ। ओके तो उसके बाद में आपको क्या करना है, काउंट करना है कितना हाफ बॉक्स एंड कितना फुल है। देखो स्टूडेंट्स कितना फुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है फुल, और हाफ कितना है, हाफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया आपके, 12 है। काउंट अगेन 1 2, ओके आफ्टर 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया फुल, और हाफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर दैट 9 10, ओके 11 12, तो टोटल आ गया आपके 12 हाफ और 8 फुल, 8 फुल प्लस 12 हाफ मतलब 6 आ जाएगा, तो टोटल 8 प्लस 6 क्या हो गया, 14, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके आंसर आ गया 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कितना कवरिंग किया, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इसमें भी आप ग्रिड लाइन का, ग्रिड लाइन ड्रॉ कर लो। देखो ये ग्रिड लाइन आ गया, ग्रिड लाइन, ओके आफ्टर दैट ऐसे ही ग्रिड लाइन ड्रॉ करो इसमें भी ऐसे, ओके इसमें भी ग्रिड लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ग्रिड लाइन ड्रॉ करो। टोटल ग्रिड लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको आंसर देना है कितना घर कवरिंग हुआ, ये काउंट करके आपको बताना है। ओके फर्स्ट देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 आ गया आपके फुल बॉक्स। आफ्टर दैट हाफ कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए कितना होगा, 3 होगा, तो 3 प्लस 28 31 हो जाएगा, 31 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, कितना बॉक्स कवरिंग किया देख लो, पहले ग्रिड लाइन ड्रॉ करके। ओके आफ्टर दैट ग्रिड लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ग्रिड लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या पता चला कितना फुल बॉक्स है, 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हो गया आपके 18 फुल बॉक्स, और हाफ बॉक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए 4 हो गया, टोटल कितना हो गया, 18 प्लस 4 22 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज़ द कंप्लीट आंसर फॉर यू। ओके स्टूडेंट डू इट प्रॉपरली इन योर कॉपी। बाय बाय, टेक केयर।